हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में पबजी फोटो एडिटिंग के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको पबजी का बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेना है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। वहाँ से ऐड फोटो में ओके करके आप अपने कटआउट मॉडल को लेके आ जाना है। कटआउट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैसे कटआउट करें। उसके बाद अपने मॉडल को अच्छे तरह से एडजस्ट कर लें, फिर से आपको उसका एडजस्ट करने के बाद अच्छे तरह से एडजस्ट होने के बाद ऊपर वाला बटन में क्लिक करना है और इसके प्रेस वाला बटन में आके ओपेसिटी लो करके अपने शरीर के नीचे भाग को रेस्ट कर लें। उसके बाद डन कर लें। फिर से आपको ऐड फोटो में ओके करना है। ऐड फोटो में आने के बाद पीएनजी को लेकर आना है पबजी वाला, और नीचे आके अपने स्क्रो बटन को नीचे से एडजस्ट कर लेना है अच्छी तरह से। एडजस्ट करने के बाद उसका ब्लेंडिंग मोड में जाना है। ब्लेंडिंग मोड में आके उसके स्क्रीन में ओके कर देना और फिर से सेव कर देना। सेव करने के बाद फिर से आपको ऐड फोटो में क्लिक करना है। ऐड फोटो में क्लिक करके फिर से आपको जो पीएनजी है वो पीएनजी को ले आना है और फोन के ऊपर में रखना है, जूम करके अच्छे तरह से, और उसकी ओपेसिटी थोड़ा कम कर देना है और ऐड कर देना है। फिर से आपको पबजी वाला चार बंदों वाला स्क्वाड वाला पीएनजी लाना है। उसको फोन के ऊपर से अच्छे तरह से एडजस्ट कर लेना है एंड ऊपर में इरेज वाला बटन को क्लिक करके थोड़ा जूम करके जो हाथ में उसका पैर आ गया उसको अच्छी तरह से इरेज कर देना। डन कर लेना। उसके बाद फिर से आपको ऐड फोटो में क्लिक करना है और फिर से दूसरा पीएनजी ऐड कर लेना है। स्टार के जैसा होगा, ठीक से एडजस्ट करने के बाद तब ब्लेंडिंग मोड में आना है और स्क्रीन कर देना है और ऊपर के बटन में इरेज वाला बटन क्लिक करना है और उसका ओपेसिटी थोड़ा लो करके अपने साइज के अनुसार उसको जहाँ जहाँ शरीर में लगा वहाँ से इरेज करते जाना। अच्छी तरह से इरेज होने के बाद आपको फोटो डन कर देना और फिर से ऐड फोटो पर ओके करके फिर से एक और पीएनजी ले आना है। धूल का पीएनजी है तो उसको एडजस्ट करके ब्लेंडिंग मोड में ओके करना है और स्क्रीन में ओके करके सेव कर लेना है। फिर से एक बार अभी बॉर्डर में ओके करना है। बॉर्डर देने से फोटो अच्छा होता है, तो बॉर्डर देके वन पर रखना है बॉर्डर और इन साइड में आके ओपेसिटी को लगभग 40 या 50 कर देते हैं। फिर से ऐड फोटो में ओके करना है, लाइट का पीएनजी लगाना है। ऐड फोटो में क्लिक किया तो लाइट का पीएनजी लेके अपने हिसाब से आसमान में लाइट का पीएनजी दे देना है। उसके बाद ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन कर देना। स्क्रीन करने के बाद आपको फोटो सेव कर लेना है, उसका ओपेसिटी थोड़ा लो करके सेव कर लेना है और अब आना है ड्रॉ टूल में। आना है ड्रॉ टूल में, आके ड्रॉ टूल से फोटो को सेव कर लेना है। सेव होने के बाद आपको लाइटरूम ऐप में आना है ताकि आइटम कलर मैच करा जाए। लाइटरूम में आने के बाद सबसे पहले आपको ऑटो टूल पर क्लिक करना है एक बार, उसके बाद कलर टूल पर आ जाना है। कलर टूल पर क्लिक करने के बाद
मिक्स टूल को क्लिक करना है और जैसे जैसे आपका फ़ोटो में कलर है उसी कलर के अनुसार आप अच्छे तरह से मैचिंग कर लें, जैसे आपको ठीक लगे उसी के अनुसार कलर मैच कर लेना है, फोटो जिस तरह अच्छा दिखे। शेयर के बटन पर आना है और वहां से सेव टू डिवाइस कर देना है, आपका फोटो तैयार हो। अगर वीडियो अच्छी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है।